हाय रोजर, हमें पूछना बस यही है आप कैसे हैं? बहुत परेशान है क्या? नहीं नहीं, कौन सी बात से परेशान है? मैंने मेरे हिसाब कोई नहीं मिल रहा है क्या? हिसाब मिल गया है सब। मैंने कभी कभी होता नहीं भाई साहब, नहीं मिलता हिसाब, बहुत कोशिश करिए और कहीं चवन्नी फंसी रहती है। फंसी रहती है, हमको निकालने का आता है ना। आपको निकालना आता है? तो मैं यही तो सीखना है आपसे, पूछना है ये चवन्नी जो फंसी रहती है वो कैसे बाहर आती है? वो तो किसी भी तरह से हम निकाल देते हैं। निकाल लेते हैं? आपका व्यवसाय क्या है, आप कैसे किसी के मुंह से निकाल देते हो? हाँ, जो उगलवाना का वो उगलवा देते हो आप। हमने बहुत डिबेट देखी है आपकी सबसे। हिसाब किताब कैसा रहेगा इस बार वोट का? वोट का? हाँ, वोट का यहाँ तो पूरा मोदी जी माहौल है। मोदी जी माहौल है? हाँ, बस भूपेंद्र भाई की सरकार। भूपेंद्र भाई की सरकार। कितनी सीटें आप दे रहे हैं वैसे यहाँ? देख टोटल गुजरात में, गुजरात में हाँ 150+। 150+? अरे कितना दाड़ो थी, कितना दौड़ाती वाट जो तू? कितना दौड़ाते हैं आप और कितना दौड़ते हैं आप? तो सो कायमिक माटर शू शू कायमिक थी पेन थी। अच्छा अच्छा, कायमिक माटर। अच्छा अच्छा, क्या नाम हो गया आपका? दशरथ जी मोफाजी ठाकुर। हाँ तो यही रहते हैं आप? हाई, ये वडनगर में? वडनगर में। अच्छा हाँ, बहुत सुंदर। कितने साल हो गए वडनगर में आपको? वडनगर में 58। 58 साल के बरस के हो गए आप, क्या बात है। तो काहे का काम करते हैं आप? सब खेत मजूरी। खेत मजूरी? खेती करूँ। खेती करते हैं? कैसी चल रही है खेती? सारी सा खेती। कपास? कपास सारा से बाबा 2000 आसपास मला है। सारा से उतारो सारो मला। पानी? पानी गन्नो से पानी कुओ से बोर से दरोइनो आवा से पानी तो कई। अरे हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं, कुछ गुजराती में मैं भी समझ लेता हूँ। मतलब इतना बता सकता हूँ पानी आ रहा है खेत में, कौन आ रहा है? वो तो हमारी ऊंझा सीट से है, तो भाजपा ने। भाजपा ऊंझा से? वडनगर भाजपा। भाजपा है, लेकिन दूसरी जो खरा जात है उसकी भी कीमत ज्यादा हो गई है। खातर है वो, दूसरा डीजल के एक ट्रैक्टर वाला सब। हाँ सब बोलना चाहिए। हाँ ये देखो बिल्कुल खरा खरा बोलते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? आप कमलेश पटेल है मेरा नाम। अरे कमलेश पटेल भाई, आप ही को ढूंढ रहे थे पूरे वडनगर में, इतनी देर बाद मिले आके आप हमको। ऐसा भी कीमत ज्यादा हो गई और भी जो खेती की उपज है उससे सरखा हो गया सम। अच्छा सब बराबर हो गया? अच्छा बराबर हो गया है। लेकिन क्या है, ट्रैक्टर वाला पहला 250 रुपया लेता था एक बीघे में, हाल 450 लेता है बराबर। उसका ज्यादा है बराबर से, रू और एरंडा सब्जी का बराबर तो भाव सारा है, तो पर खर्चा भी ज्यादा हो गया। मतलब कुल मिला के महंगवारी महंगवारी महंगवारी। बैठा बैठा यहाँ। 100 बरस पुरानी दुकान है? मैं चौथी पीढ़ी बैठा हूँ। चौथी पीढ़ी? हाँ। नाम हो गया? नाम हो गया ना, दुकान का नाम ही नहीं रखा तब तो मैंने। ना आपका नाम क्या हो गया? हमारा नाम सुनील चौहान है। चौहान साहब प्रणाम करता हूँ आपको, अपनी टीम की तरफ से प्रणाम करता हूँ। चौथी पीढ़ी है? हाँ, चौथी पीढ़ी। और निश्चित तौर से भाजी 100 बरस हो गए। अगर कोई 4 पीढ़ी से कोई काम कर रहा है तो निश्चित तौर से वो जो लगन होगी या जो तपस्या होगी वो फलीभूत हुई होगी, तभी लगातार आप काम कर रहे हैं। बैठो चमन भाई, जब मुख्यमंत्री थे यहाँ देखे थे हमें दुकान पे दो बार। चमन भाई पटेल जब ये मुख्यमंत्री तो 15-20 बरस का था। हाँ तो चमन बैठे थे, तो चमन भाई यहाँ बैठे। तो चमन भाई यहाँ बैठे जहाँ मैं बैठा हूँ, और फिर कौन बैठा? फिर तो जब आते सब बैठे, जब सब आते हैं मेरे पास। तो भाजी चुनाव से पहले जूते अच्छे कराए जाते हैं, तो चलना बहुत होता है ना भाजी। एक जमाने में चलना होता था, अब तो सब गाड़ियों से और हेलीकॉप्टर से हो गया। चलें अब। थैंक यू। वाह हाँ भाजी, 100 साल पुरानी दुकान। कैसे हैं? बढ़िया। क्या बात, बहुत अच्छा होता है। हाँ जी, हम हर रोज देखते हैं आपका शो। बाजी क्या बात है, ये तो वडनगर में आ गया मैं, और वडनगर में ये आपकी शॉप हो गई पूजा पूजा एम्पोरियम। कितने साल पुराना काम है साहब आपका ये?
40 साल पुराना है। 40 साल पुराना यार भाजी, ये बहुत पुरानी मार्केट है। आपका शो हर दिन देखते हैं जी, आपका ही शो है वो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोदी जी की जो सब बात करते हैं बहुत अच्छी करती है। अच्छा, मोदी जी जो बात करते हैं सब अच्छी करते हैं? आप जो बात करते हैं वो भी अच्छी करते हैं, मोदी जी तो अच्छी करते ही है। बस निकल लो बाजी जल्दी यहाँ से। थैंक यू सो मच। हाँ जी, गुजरात में 135 आएगी। 135 बीजेपी 135 कितनी आपके हिसाब से? कितनी? 160। भैया जी आपके हिसाब से बोल दो। हाँ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ बोलता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, कितनी आपके हिसाब से? 160 135 160 तो वडनगर अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं क्या? तो थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, क्या बात है। जी ये वही हाटकेश्वर मंदिर है जिसका जिक्र अक्सर होता है। ये लगभग जो इसका सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका आर्किटेक्ट अति प्राचीन है और यहाँ पर आने वाले लोग श्रद्धा भाव से आते हैं और कई ट्रैवलर्स ने इसका जिक्र किया है। और आप कहाँ से हैं? मैं नेटिव, हमारा वडनगर है पर रहते हैं अहमदाबाद। अहमदाबाद रहते हैं? अच्छा, साथ में मेरी बेटी है। जी जी, अच्छा अच्छा। हाँ, तो आप आज आए थे दर्शन के लिए? आज दर्शन के लिए अहमदाबाद से। अहमदाबाद तो वोटिंग आपकी, वोट आपका यहाँ है या अहमदाबाद? अहमदाबाद में। तो आप तो वो तो 5 तारीख वाला है। ये एक्चुअली नागौर, यहाँ के जो नागौर ब्राह्मण है ना, इनके कुलदेवता है। नागौर फैमिली के कुलदेवता है जी। तो आप नागौर ब्राह्मण है? नहीं, हम तो पटेल नहीं है, फिर भी हम सब में आस्था रखते हैं। वो पाटीदास, तो वो मुझे ऐसे मालूम है क्योंकि वाराणसी में भी मैंने नागौर लोगों का जो मंदिर है वहाँ पे है, तो मैंने वहाँ भी देखा है जी, काशी विश्वनाथ में वो नागर फैमिली जो है, जो खास तौर से गुजराती हैं, उनका वहाँ पे मंदिर है। ये इनकी इष्ट देवता है, ये इनका इष्ट देवता हाटकेश्वर महादेव। ये मतलब ये मूर्ति जो उनकी इष्ट देवता है, इष्ट देवता है। क्योंकि ज्यादातर नागर ब्राह्मण जो हुए थे ना, ये वडनगर से, वो मतलब जूनागढ़ और वडनगर, ये दोनों के बीच में, जूनागढ़ के नागर ब्राह्मण थे और यहाँ के, तो यहाँ के नागर ब्राह्मण के से उनके पुराने रिलेशन है। उनकी शादी यहाँ वडनगर में, आपको उनके जो बेटे की शादी हुई थी ना यहाँ पर, वो भी चौड़ी भी देखने के मिलेंगी। अच्छा, तो ये नरसिंह मेहता की शादी यहाँ पे हुई है, उनका चौरा है यहाँ पे जहाँ पे उनकी शादी हुई थी। अजी नरसिंह मेहता जिसका जिक्र अक्सर आपको भक्ति आंदोलन, हाँ भक्ति आंदोलन के जो शिखर है, सर्वोच्च शिखर है वो तो वो उनकी शादी यहाँ पे हुई वडनगर में। और वडनगर का जिक्र मैंने बताया भी कई बार होता है और ऐतिहासिक उल्लेखों में भी है। हिस्टोरिकल सिटी है, हिस्टोरिकल सिटी है, हिस्टोरिकल बहुत कुछ है वडनगर में। लेकिन पाजी एक बात फायदा होता है कि घूमते घूमते आप ऐसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ कभी कभी लगता है कि पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन आपके भी दर्शन हुए बहुत अच्छा। तो हमें भी आनंद हुआ आज मिलके, काफी चैनल चलाते हैं मतलब हम हेड्स ऑफ, आप बिल्कुल करते रहते हैं पॉलिटिक्स में भी, अभी किसी के पार्टी के फेवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, इससे लोगों की जागृति होती है, लोगों की समझ में आ जाती है कि सही मुद्दा क्या है, सही चीज क्या है। भाजी यहाँ पर सिर्फ बताने का मतलब ये था कि ये वडनगर का प्राचीन, वडनगर का ही नहीं, देश के जो प्राचीन शिव मंदिर है, शिवालय है, उसमें से वन ऑफ देम है ये, एक है अति प्राचीन है, जिसका कि चाइनीज ट्रेवलर्स ने भी इसका जिक्र किया है। आइए भाई।